था। नंबर दो कि जाहिर है इसमें सत्तारूढ़ पार्टी लिप्त है, केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी हो या प्रदेश की हो, और उसका नाम आप सब जानते हैं। तीसरा कि जिन आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं वो कोई आम आंकड़े नहीं है। आज का टेप आपको 10 करोड़ का दावा बताएगा एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए। पिछली बार दावा बड़ा था, इससे भी ज्यादा। अब आप औसतन रेट लगाएं या सबसे ऊंचा वाला आंकड़ा लें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप MLAs के जो नंबर्स हैं अलग अलग प्रदेशों में जो देख रहे हैं उनसे इसकी गणित करें, तो आपको जाहिर है कि इस सरकार की, इस सत्तारूढ़ पार्टी की नियत है कि एक पूरा, जिसको कहते हैं वॉर चेस्ट बना के रखें, एक पिटारी बना के रखें पैसों की, सिर्फ इस काम के लिए। उसका उद्देश्य, उसका प्रस्ताव एक ही है। नंबर चार कि ये देने वाले का चरित्र, उसकी नैतिकता, उसकी राजनीतिक सोच, वो आपको दर्शाता है। लोलुपता सत्ता के लिए, एक घृणात्मक लोलुपता, असीमित लोलुपता मैं कहूंगा, पद के लिए, सत्ता के लिए। इन दो युवराज की जोड़ी के बिना न ये अनुमति होती है, न ये किया जाता है। और जो टेप अब दिखाएंगे उसमें तो माननीय गृह मंत्री का नाम लिया इन महाशय ने, और ये आपको एक शीर्षतम स्थान पे दिखाता है कि क्या हो रहा है। मेरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मैं समझता हूं पांचवा है या छठा है कि हमारे इतने प्रखर और मुखर प्रधानमंत्री, भाषण में इतने तीव्र शब्दों का प्रयोग, इतनी निपुणता, जब ऐसे मुद्दे हम उठाते हैं तो क्या सांप सूख जाता है, चुप्पी साध लेते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि साइलेंस इज एलोक्वेंट, ये चुप्पी कहां से आती है? एक शब्द नहीं सुना हमने 18 अक्टूबर के बाद, एक शब्द नहीं सुना जब येदियुरप्पा जी के विषय में मैंने आपसे विस्तृत आंकड़े के साथ, तथ्यों के साथ, व्हाट्सएप के साथ प्रेस ब्रीफिंग ली थी। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि एक शब्द नहीं सुनेंगे हम आज के बाद, क्योंकि ये युवराज की जोड़ी या शहनशाह युवराज की जोड़ी या राजा और महाराजा की जोड़ी, ये ऐसे मुद्दों पे नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ जुमलेबाजी आपको बताएंगे, कुशासन के जो तथ्य हैं और तत्व हैं उसके बारे में कोई जवाब नहीं सुनेंगे आप। मैंने जो दूसरी बात कही थी पिछली बार, जो मेरा आज का सातवां पॉइंट है, जो दूसरा पहलू था, वो है कि ये कोई आम चीज नहीं है। हमने संविधान में इतना माथापच्ची करके, हमारे संसद के डिबेट्स पढ़िए 84-85 में, ये कानून क्यों पास किया था दल बदली का? उस कानून का तो आपने धज्जियां उड़ा दी, उस कानून की तो आपने अवमानना कर ली, लेकिन उसका मूल सांस्कृतिक संवैधानिक स्पिरिट क्या थी, उसकी आत्मा क्या थी? विधायिका के इन मामलों में नैतिकता रखना। वो कानून जो हमने दलबदली का बनाया है उसका सबसे ज्यादा अपमान, उल्लंघन, और जैसा मैंने कहा धज्जियां उड़ाने का प्रक्रिया अगर की है किसी ने तो भाजपा ने की है। हर प्रदेश में हमको हर दिन उदाहरण आ रहे हैं, और दूसरी पार्टियों में चुनाव के वक्त आप इनकम टैक्स रेडे करवाते हैं, और खुद की पार्टियों में आप पैसे का वितरण करते हैं। ये कहां का संतुलन है, कहां का न्याय है, मुझे पता नहीं। मैं आपको तकनीकी चीजों से बोर नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे कम से कम 10 उच्चतम न्यायालय के निर्णय हैं, एक नहीं, 5 नहीं, 10, जहां पर इस प्रकार की दल बदली को हर बार वही शब्द का इस्तेमाल किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन, संवैधानिक पाप। अरे भाई, ये बीजेपी से प्रश्न पूछना चाहिए, कोई जवाब आना चाहिए, कितनी बार इस पाप को करेंगे आप? 10 बार पाप करके चुप्पी साधना और उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं करना, कोई मानना नहीं, स्वीकारना नहीं, अजीबोगरीब उत्तर देना,
क्या यही आपकी अस्मिता और पहचान है? मैंने आज पढ़ा अखबार में, और मेरे मित्र ज्यादा बताएंगे आपको, कि बीजेपी के प्रादेशिक अध्यक्ष का एक बड़ा रोचक जवाब आया कि जब ये हुआ तो मैं तो था ही नहीं अध्यक्ष, मैं तो बाद में आया, मेरे से मिले नहीं, इत्यादि इत्यादि। ये एक प्रकार से तो जो हम कह रहे हैं उसकी पुष्टि करता है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप थे या नहीं थे, ये मुद्दा नहीं है कि आप, ये इरेलेवेंट चीज है कि आप थे या नहीं थे। दिखा रहे हैं आपकी बीजेपी की निरंतरता प्रादेशिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, माननीय प्रधानमंत्री के आंख और नाक के नीचे की निरंतरता। कभी आप हैं, कभी ए हैं, कभी बी हैं, कभी सी हैं, लेकिन ये चलता रहता है निरंतर ये प्रक्रिया। और जवाब कुछ नहीं आता है सिवाय इसके कि भाई मैं नहीं था, वो थे। अप्रासंगिक जवाब है, और मैं समझता हूं कि जो हम आरोप लगा रहे हैं उसका पूरा पुष्टिकरण है। जैसा मैंने आपको याद दिलाया, ये हर प्रदेश की कहानी है बीजेपी की जुबानी, और मैंने आपको उदाहरण दिए थे मणिपुर से लेके गोवा के, गुजरात से लेके कर्नाटक के, इत्यादि इत्यादि। मैं अपनी बात अंत करूंगा आपको ये याद दिला के कि जब सबसे भीषण हमारे यहाँ देश में पैंडेमिक चल रहा है, मानवता का सबसे भीषण पैंडेमिक, इस 8-9 महीने में हमने आपको कम से कम 10 ऐसे उदाहरण दे दिए हैं। क्या आपको पैंडेमिक कोविड के वक्त माइग्रेंट लेबर की तरफ देखने का समय नहीं है? सहायता और हीलिंग टच का समय नहीं है? इतने ही रुपये हैं आपके पास वितरण करने को, तो मैं आपको 10 और अच्छी चीजें बता सकता हूं सुशासन की, जिसमें आप इन रुपयों का वितरण कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। आप ऐसे समय में भी, इससे ज्यादा गिरावट क्या हो सकती है, ऐसे समय में भी ऐसे कार्य कर रहे हैं आप। तो दोस्तों, अब गुजरात में हल्ला है कि माननीय प्रधानमंत्री और गृहमंत्री की युवराज जोड़ी ने वहां की राजनीति को सेठों का गल्ला बना दिया है। जो न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये शब्द हैं, ये व्यंग लगते हैं, ये मजाक लगते हैं, बड़ा अपमान का मजाक देश के साथ, जनता के साथ। और प्रश्न उठता है कि वो प्रखर और मुखर चौकीदार कहाँ है, जो सिर्फ बोलने में चौकीदार है, करने में नहीं है, या उनके कंट्रोल से बाहर है। फ्रेंड्स, आई विल नॉट टेक मच टाइम, यू बीन वेरी पेशेंट, एंड माई कॉलीग्स रिस्पेक्टेड मिस्टर सातव एंड मिस्टर मोदवादिया विल एड कॉन्टेक्स्ट एंड फैक्ट्स फ्रॉम गुजरात टू इट। माई कॉलीग्स एट द AICC विल शो यू द 4th ऑफ सच चेन ऑफ वीडियोज इन हार्डली 2 to 3 weeks। दिस इज द 4th एग्जाम्पल। It is supremely ironical that I started the briefing hardly 2 weeks ago on 18th of October by apologizing for my misfortune in having to take briefings on this subject. And I said that because that was about 2 weeks after the Yedurappa briefing I had taken. Now again, in less than 2 weeks, I am before you to tell you the chal, chehra and chalan, the identity of the BJP party, be it at the center, be it at the state level. I must put it in context that this is certainly not a flash in the pan. This is certainly not a isolated one-off incident. From Manipur to Goa, from Karnataka to Gujarat, time and again, shamelessly, we have had this excessive greed for power, bordering on paranoia. We will win or lose elections, but we must be in power. We will have a fair fight and we will lose, but we must get power at all costs. This is the real point which all these incidents illustrate. And by this shameless action, legislature has become a forum for business for the BJP. I had used the phrase trade and trafficking.
trade trafficking and transactional analysis of the BJP in the legislatures. The three T's, aggressively indulged in by the BJP, repeatedly indulged in by the BJP. I will not repeat the three names I brought to you on 18th from Gujarat MLAs, from the Akshay Patels, the Kakadiyas and the Pradyuman Jadejas, to the fourth example today of Mr. Somabhai Patel, where with great pride, great confidence, great assertion and accomplishment, he claims and accepts and repeats and asserts that 10 crores minimum was the price for defections. That video, he also asserts that this has the blessings of one of the two Yuvrajes of this country, whether you like to call it the combination of two Yuvrajes or the Shahenshah and the Yuvraj, but Mr. Home Minister's name is specifically taken on camera. But I want to look less at the facts and more at my 7, 8, 10 issues of the larger perspective. Partly repetitive, but they need to be repeated, underlined, because institutional memory is short. And the BJP hopes that the people of this country have even shorter memory, that they eat grass, and that they will condone repeatedly these kind of egregious conduct. So I am repeating the fact that this is candid camera. It is not a case of argument and counter-argument or proof. It is candid camera, pratyaksha pramana. Number two, it is clear which party at the center and at the state level is indulging in this with relentless frequency. Number three, the amounts we are talking of are humongous. They are not ordinary amounts. We are talking in this case, in this tape, of 10 crores and for one MLA. Of course, the figures in the last set of tapes on 18th October were larger, but let us take lower figures and multiply them by the number of defections which this party has engineered across India in diverse states. You will immediately realize that a war chest of enormous proportions is maintained by the BJP for this dirty tricks department, for these nefarious activities. If half of that was used for social welfare, we would not have the long lines of migrant labor and the pitiable condition of ordinary people during COVID times. But then the focus of this ruling party at the center and in Gujarat, the focus has never been social welfare. It has been to break governments and make governments by hook or by crook, and more usually by crook, not by hook. I have repeatedly said that of this double combination of the two Yuvrajes, minister, with great jumlas, not even an acknowledgement. It is time the Prime Minister reacted, at least from his own home state, to such repeated, clear, proved allegations. I had mentioned last time, and I'm duty bound to repeat, that to prevent what the Supreme Court of India has 10 times, more than 10, but minimum 10 times called a constitutional sin. A constitutional sin of defection, of immorality, of lack of any principle in parliamentary or assembly life. And then they pass this law, which we know as the 10th schedule. Well, have you ever seen a 10th schedule being blown to smithereens? Smithereens. Have you ever seen the 10th schedule being so blatantly insulted as by the BJP? The law prevents change of parties. So a simple way is found. No change of party, no 10th schedule. Simply take money and resign. What a nice way to circumvent the law. Then number two, when you resign while you are not elected, you become a minister. No violation of 10th schedule. Then while you are a minister, you spend 6 months
and by virtue of your ministership, you get re-elected somehow in a by-election. What a beautiful way of blowing the 10th schedule sky high. It has happened repeatedly from Karnataka to Goa to Manipur to Gujarat. It's not the first time. Haryana also. This is, as I said, the true Chal Charitra Chehra of this party, which preaches to you with jumlas and with sermons. This is the true Chal Charitra Chehra of the two Yuvrajis of the ruling party. Silence. I would say their silence is incriminating. Their silence is eloquent. Their silence is culpable. And may I end by saying that it is tragic. It is terrible. It is insensitive to the core to do all this in the 8-10 months of Corona. The worst pandemic faced by humanity in current times. And instead of providing the healing touch, distributing much needed resources, instead of reacting to the misery of migrants, MSMEs, you have war chests for this kind of nefarious, immoral activity. So friends, I would end by saying that na khaunga na khane dunga sounds like Alice in Wonderland. It is hurtful. To call yourself a chowkidar is to say what Alice in Wonderland said, that words mean what I say they mean. They have no other meaning than what I say they mean. So may I now request my, of course, at the end of our address, you will see the video, but may I now request my colleagues to address you, but end by reminding you that you are, and the people of India through you, are the ultimate sentinels to demolish this kind of nefarious activity day in and day out, week in and week out, month in and month out. Rajiv bhai. Varishth Neta, आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी, अर्जुन भाई और सभी प्रेस के साथी, जैसे 18 अक्टूबर को अभिषेक जी ने प्रेस की थी और उन्होंने कुछ कई सारे वीडियोस आपके सामने लाए थे और बीजेपी का भांडाफोड़ किया था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने हर वक्त ये कहा था कि गुजरात में उन्होंने बहुत अच्छा सुशासन दिया है और उसकी चर्चा उन्होंने की। 25 साल में आपने देखा होगा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले लोकसभा में भी 26 में से 26 सीट गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के चलाने के लिए दिया था। 150 सीट नहीं आए थे, लेकिन 99 सीट तो उनके आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन पा रही? प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, लेकिन कांग्रेस के धारा सभ्य, कांग्रेस के MLA इनको बार बार क्यों तोड़ने पड़ रहे हैं और किस लिए ये सब हो रहा है? क्यों ये काला धन का इस्तेमाल इस प्रकार से हो रहा है? ये सवाल है। 2017 को जब अहमद पटेल जी का चुनाव था, तब भी 14 MLA को तोड़ने की कोशिश हुई और 14 में से 12 MLA हार गए, विधानसभा तक बाद में पहुंच नहीं पाए। यही बात 2019 के राज्यसभा चुनाव में भी, जब विदेश मंत्री लड़ रहे थे, तब 2 MLA को रिजाइन उन्होंने करवाया और दोनों के दोनों भी उसमें हार गए। अभी जब 5 साल के लिए कोई विधायक चुनकर दिया है, 5 साल के लिए उसके लिए वो जिम्मेदारी है, और 5 साल का मैंडेट होने के बावजूद कोरोना की कहर सब विश्व में है, गुजरात में तो कोरोना की हालत इतनी खराब है, ना अस्पताल में जगह है, ना सरकार पूरी तरह से इस कोरोना की महामारी को मैनेज कर पाई है। और इसमें पूरे मीडिया ने इसके बारे में चलाया, सोशल मीडिया में ये रहा कि कोरोना में पूरी तरह से गुजरात की सरकार फेल हुई, और ऐसे महामारी में इस प्रकार से 8 MLA को पैसे देने की कोशिश हुई। अभिषेक जी ने जैसा कहा कि अक्षय पटेल का वीडियो आपने देखा, काकड़िया का वीडियो आपने देखा, और प्रद्युमन सिंह जाडेजा के भी स्टेटमेंट आपने देखे। उसी कड़ी में सोमा भाई का ये वीडियो सामने आया है और उसमें स्पष्ट वो कहते हैं कि 10-10 करोड़ तो मिला ही है, कुछ लोगों को टिकट मिला और सबको पैसे मिले, ये वीडियो से सामने आया है। और इससे स्पष्ट दिखता है कि पिछले 3 साल में, 2017 में 14 विधायकों को पैसे देने की कोशिश हुई, 2019 में राज्यसभा इलेक्शन में 2 विधायकों को पैसे देने की कोशिश हुई, और अभी 8 जनों को ये बीजेपी ने पैसा दिया। भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से ये एक्सपोज करता है
और काला धन सही मायने में कौन इस्तेमाल कर रहा है, और काला धन अगर किसके पास है और कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है, ये इसमें स्पष्ट है। ये जनादेश का पूरी तरह से अपमान है। और जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजरात की बात करते हैं, तो ये गुजरात का भारतीय जनता पार्टी का मॉडल इस प्रकार से सबके सामने आया है, और इससे स्पष्ट दिखता है कि पूरे देश में इसी मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी काम करना चाह रही है। जो अभी बाय इलेक्शन से इसमें तो गुजरात की जनता सबक सिखाएगी, लेकिन देश की जनता के सामने ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हुई है। क्योंकि गुजरात की ये बात करते थे, गुजरात में अगर विकास किसी का हुआ है तो सिर्फ विधायक फोड़ना और विधायकों को पैसे देना, यही एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी का काम इससे स्पष्ट दिखता है। अर्जुन भाई, आदरणीय वरिष्ठ साथी, जनता पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं उनकी बातें बताई गई है जो बिलो बेल्ट वाली थी, इसलिए हमने ये औचित्य भंग न हो इसलिए हमने ये रिलीज नहीं किया। लेकिन बात यह है, जैसी तरह राजीव सातव जी ने बताया, हमारे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बतवाते हैं, धारा सभ्यों की खरीद फरोख करते हैं, किसी को कैश देकर छुट्टी कर देते हैं और किसी को कैश प्लस टिकट भी दी जाती है। सवाल ये उठता है कि ये गुजरात मॉडल में जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, और आज भी बिहार चुनाव हो या कहीं का चुनाव हो, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, काला धन का उपयोग बंद होना चाहिए, और काला धन जो बंद करने के लिए उन्हें तो बहुत सारी कोशिश होती है की है, ऐसी उन्होंने बताया। तो बात यह है कि ये 10-10 करोड़ रुपीस जो डॉक्टर सिंघवी जी ने बताया कि मिनिमम मान ले 50 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, लेकिन हम 10 करोड़ का आंकड़ा ही ले लें तो 80 करोड़ रुपीस का यहां खर्च हुआ है। तो ये 80 करोड़ कैश में दिया गया है, काला धन है, और काला धन भ्रष्टाचार से ही आता है। तो गुजरात में ही या मध्य प्रदेश में या गोवा में या कर्नाटका में या मणिपुर में सरकार गिरानी होती है तो कहीं 25 करोड़ कहीं 10 करोड़, ये काला धन का व्यापक उपयोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरी में ही क्यों आ रहे हैं? सवाल ये है कि ये काला धन भ्रष्टाचार से आता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उसको जनरेट करती हैं। 25 साल तक गुजरात में उनको शासन दिया, शासन में है, जनता ने विश्वास रखा कि ये काला धन नाबूद करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। केंद्र में भी उनकी दूसरी सरकार है, बहुत भारी बहुमत दिया, तो भी काला धन और भ्रष्टाचार वो क्यों करवाते हैं, क्यों करते हैं? इतनी पावर ग्रिड क्यों है? क्योंकि जनता पर भरोसा नहीं है उनको, इसलिए पूरी सिस्टम कलेक्ट करके ये ऐसी तरह या धारा एक राज्यसभा की सीट लेना चाहते हैं या कहीं राज्यों की सरकार लेना चाहते हैं। और गुजरात में तो ऐसा मॉडल उन्होंने बनाया, जैसी तरह शहनशाह युवराज की बात की, अभी उन्होंने नया सूबा वहां गुजरात में नियुक्त किया गया है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है मैं बता, एक ही मिनट में, उनका जन्म ये 1978 में वो मैट्रिक में फेल हुए, उसके बाद गुजरात पुलिस में भर्ती हुए, बुटलेकिंग के 2 केस में एक ही साल में उनको सस्पेंड किया गया, बहुत बड़ा बुटलेकिंग का इलीगल लिकर का जत्था मिला था उसमें। उसके बाद फिर से 1984 में वो को मिला ऑक्ट्रॉय चोरी का केस भी, उस पर 84 करोड़ का लोन स्कैम था, उस पर केस हुआ, वो 1.5 साल तक जेल में रहे, बीच में भाग गए, और उस पर टोटल 107 केसेस एज पर उनकी 2014 का जो लोकसभा की चुनाव है उसमें जो केसेस दिए गए हैं उसमें 107 केस दिए गए। ऐसे 32 लक्षणा प्रेसिडेंट बनाया है और हर दफा धमकियों की भाषा में बात करते हैं। कल उन्होंने खुद ने कहा कि भाई जब ये मामला बना तब मैं नहीं था उसमें,
तो प्रमोशन मिला उसको, ऐसा काम करने का प्रमोशन भी मिलता है कभी कभी, भाजपा है वहां, यहां तो न्यू नॉर्मल बन गया भ्रष्टाचार करना ये करना। तो मेरे सवाल ये है कि उनका जो ये काला धन कहां से आया और भ्रष्टाचार का मनी है वो कहां से आया, किसको कितना दिया, ये टेप की पूरी जांच होनी चाहिए। वैसे तो मुंबई हो या कहीं और हो तो पांच पांच एजेंसी, मुंबई में एक केस बना तो बिहार पुलिस आ गई, वहां सीबीआई आ गई, वहां एनआईए आ गई, एक ही केस में वहां ये नारकोटिक्स ब्यूरो आ गया, इनकम टैक्स आ गया, ईडी आ गया, सारी एजेंसियां काम करने लगी। निकला तो सिर्फ 45 ग्राम गांजे का व्हाट्सएप चैट। तो यहाँ इतना बड़ा भारी डील हुआ है, तो जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज का कमीशन, ड्रॉप हो गए तो क्वेश्चंस मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ। ऐसा करता हूँ, वो दोबारा ज्वाइन करेंगे तो उनसे हम कंक्लूड करा लेंगे। पहला सवाल पीटीआई से संजीव चोपड़ा जी पूछना चाहते हैं। संजीव या थैंक यू प्रणव जी, नमस्कार सिंघवी साहब, नमस्कार सातव जी। I just wanted to know, since you know you have been, BJP has been repeatedly indulging in such activities, as you said, you know, buying of MLAs and MPs and every ahead of every election, and you have said that they have repeatedly violated the 10th schedule and the courts have already considered this as a constitutional sin. So why doesn't the Congress move the court to get a permanent solution to this so that this does not happen again? You see, this is a fundamental mistake to think that such kind of activities are movable in courts. Mm-hmm. On the contrary, this is what the BJP will want us to do. Okay. They will want a legitimation function of the courts on technical grounds. Mm-hmm. Where is the, what is the method? How is it? It's a larger issue. It will take 9 months. So they want you to get lost. Okay. In myriads of small details so that the real issue is lost. Somebody may say that technically there is no violation of 10th schedule because the man has resigned. Mm. The real issue is moral, is political. Mm. It's also constitutional, but court decisions come on technical law and in the fullness and ripeness of time. And it allows frequently the wrongdoer to get away. Secondly, remember that we are entitled to fire on multi-barreled guns. When we talk to you and draw your attention, we talk to the nation through the media, which is the heart and soul of a democracy. It doesn't mean that subsequently somebody may not go to court, but that's a more medium-term and long-term process. In the immediate term, it is important to jog public memory, to shock public conscience. Thank you, Siddharth from AI. Siddharth, please ask. Sir, namaskar. मेरा सवाल सर सिंघी सर से और राजीव सातव सर से दोनों से है और कांग्रेस से ये है कि ये तो बिल्कुल धोखा होता ही है लोगों के साथ कि लोग चुनते हैं 5 साल के लिए और 2 साल बाद वही नेता किसी और सिंबल के ऊपर आता है और आगे चुनाव लड़ता है। और आप कह रहे हैं कोर्ट में जाना एक लंबा प्रोसेस है और एक टेक्निकल चीज है, लेकिन पॉलिटिकली आप ये कांग्रेस से भी सवाल उठता है कि आखिरकार इतने क्यों कमजोर हो जाते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार जो कल तक बड़े पक्के थे और आज वो पार्टी छोड़ देते हैं। दूसरा ये कि अपोजिशन पार्टीज मिलके क्यों नहीं इस बात को करती, क्योंकि बीजेपी तक सीमित नहीं है, तेलंगाना के अंदर टीआरएस ने कांग्रेस पार्टी की के आधे से ज्यादा विधायक तोड़ दिए, बहुत कम संख्या थी, पूरी पार्टी आपकी वहां टूट गई। तो ये तो एक लार्जर एस्पेक्ट है, एक लार्जर कंसेंसस पूरे देश में आपको कांग्रेस को नहीं लगता बननी चाहिए, अपोजिशन बात करे इसके ऊपर कुछ ना कुछ, चाहे कार्यपालिका विधायिका कुछ इसका सोल्यूशन निकाले, और इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियों से भी ज्यादा जनता के साथ धोखा है
राजीव राजीव जी इसका जवाब अलग से देंगे, मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा शुरू में ये कह के कि बहुत हद तक मैं आपसे सहमत हूँ। निश्चित रूप से एक आम सहमति चाहिए राजनीतिक दलों की, लेकिन जब कोई उतारू हो जाता है अपने बहुमत के अहंकार में, अपने पैसे की जिद में, राजनीतिक जिद में, तो मैं समझता हूं कि जब आप नैतिकता और संविधान का उल्लंघन करते हैं तो सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे पहला कोर्ट होता है जनता का कोर्ट, और उसका जरिया सबसे बड़ा होता है प्रेस। कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो इस प्रकार का कानून पे अपमान और व्यंग रोक सके कि आदमी डिफेक्ट नहीं करता है लेकिन इस्तीफा ले लेता है। और ये आपको बता दूं मैं कि जो हर 8 उदाहरण आपको बताते हैं हम गुजरात से, तो आप मान के चलिए कि प्रयत्न कम से कम इससे दुगुना या तिगुना लोगों के साथ हुआ होगा। वो हर व्यक्ति जो लेता है, साथ साथ ऐसे व्यक्ति भी नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेने वाले का मुद्दा नहीं है, देने वाले का, प्रयत्न करने वाले का मुद्दा है। और अगर हमने इतने उदाहरण दिए हैं तो कम से कम इससे दुगने उदाहरण में प्रयत्न किया है बीजेपी। तो ये मैं समझता हूं कि अंत में मैं मानता हूं तीसरा जो पहलू है कि हमारा दल बदल का भी कानून हमको बदलना पड़ेगा। मैंने एक प्रस्ताव दिया, मैं आपके सामने वापस रख रहा हूं कि अगर आप इस्तीफा देते हो तो 1 साल तक आप वापस मंत्री नहीं बन सकते और 6 महीने तक चुनाव नहीं लड़ सकते या 3 महीने तक चुनाव नहीं लड़ सकते। 1 लाइन का प्रावधान अगर पारित हो जाए, लेकिन क्या आप समझते हैं कि संसद में बहुमत से अहंकार से लुप्त सरकार ये पारित होने देगी? 1 लाइन का अगर संशोधन हो जाए कि आप मंत्री नहीं बन सकते 1 साल तक, अभी भी आप जानते हैं कानून में प्रावधान है कि अगर करप्ट प्रैक्टिस के आधार पर कोई सांसद को हटाया जाता है तो वो 6 वर्ष तक वापस चुनाव नहीं लड़ सकता, उसे करप्ट प्रैक्टिस का कहा जाता है। उस प्रकार का संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हमारी सहमति से क्या मतलब? जो बहुमत सरकार जिसको चलानी है पार्लियामेंट, वो नहीं मानेगी और उसी वक्त वो करती रहेगी ऐसा। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कांग्रेस ने तो कहा था कि चौकीदारी चोर है। चौकीदार के राज्य में जहां से प्रधानमंत्री भी है और जहां से गृह मंत्री भी वहां से आते हैं, क्यों इस पर 2017 में 14 विधायक को इन्होंने खरीदा उसके बारे में क्यों प्रधानमंत्री बात नहीं करते? 2019 को विदेश मंत्री की इलेक्शन में 2 विधायकों को खरीदने की इन्होंने कोशिश की, क्यों उसके बारे में चर्चा चुप्पी नहीं तोड़ने चाहते? या अभी भी 8 विधायक कोरोना के पैंडेमिक में यह किया है, तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसके बारे में क्यों चुप्पी नहीं तोड़ रहे, क्यों इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं? 2017 को जब इलेक्शन थी तब आपको सी प्लेन याद आया, अब 20 को इलेक्शन आई तब आपको सी प्लेन याद आया, लेकिन ऐसी भ्रष्टाचार की बात के बारे में दोनों क्यों चुप्पी साधे हुए, ये भी हमारा सवाल है। इसका जवाब तो देना नहीं चाह रहे। धन्यवाद। INS से अगला सवाल है। सर, मेरा सवाल साटो जी से है। क्या मैं जानना चाह रहा था कि जब टिकट आप लोग बांटते हैं तो क्या आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट वाले नेताओं को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को टिकट मिलता है जो बाद में दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं? मध्य प्रदेश में हुआ, यही गोवा में हुआ, तेलंगाना में हुआ, कई ऐसे राज्यों में हो रहा है। इसपे स्पष्ट है कि आपने मध्य प्रदेश की बात की या बाकी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, खास तौर से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जो लाइन रही है, कैसे भी करके सत्ता में आना, ये इनकी लाइन है। और जब कैसे भी करके सत्ता में ये आना किसी की लाइन है तो उसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो। और हमारी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन एजेंसी का कहीं ना कहीं पीछे लगाना, कहीं ना कहीं लोगों को खरीदने की कोशिश करना, ये जो इन्होंने गुजरात का भाजपा का जो ये मॉडल है, ये पूरे देश में ये फैला रहे है। और आपने देखा होगा कि हर वक्त पर, हर समय पर इस प्रकार से ये खरीदने की कोशिश गुजरात में भी हो और पूरे राष्ट्र में भी हो रही है। तो ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी से पूछने की जरूरत है कि क्या आप लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करना चाह रहे हो? क्या जनादेश का अपमान आप इससे कर रहे हो और गद्दारों को इस प्रकार से आप जो बड़ा कर रहे हो, इससे देश के लोकतंत्र क्यों पूरे खत्म करने का भाजपा का ये एजेंडा इसमें स्पष्ट दिखता है। थैंक यू। राकेश कपूर जी का सवाल पूछना चाहते हैं। जी,
जी, मेरा सवाल ये है सिंधी साहब कि ये जो प्रश्न है इस प्रकार से जो इस्तीफा दिलाकर के फिर उनको दोबारा मंत्री या विधायक बनाने का, ये पूरा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको फेल करना है मनी पावर के मार्फत। तो सवाल ये मल्टी डायमेंशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिन भी है, इमोरल भी है, तो बट द इंटेंट ऑफ दिस कि ये पूरा जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ये फेल करता है ये चीजें, ये सवाल सबसे बड़ा है। और दूसरा इसके साथ मैं जोड़ दूं, फिर दोबारा सवाल नहीं पूछूंगा, कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो कमलनाथ जी का जो स्टार कंपेनर का दर्जा हटाया गया था उस पर स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अभी, और कमलनाथ जी की तरफ से कहा गया कि ये अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं था, क्योंकि स्टार कंपेनर जो तय करता है वो पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। देखिए ऐसा है, पहला प्रश्न आपका बहुत ज्यादा व्यापक है जी, जी पूरा सेशन और लेक्चर और एक पूरा सेमेस्टर का भी प्रश्न है, उससे भी ज्यादा व्यापक है। मैंने आपको उसका दो लाइन का संशोधन का प्रस्ताव बताया था कि आप सिर्फ ये कहें कानून के संशोधन द्वारा कि जो व्यक्ति इस्तीफा देता है वो 3 महीने तक वापस चुनाव नहीं लड़ सकता और 1 वर्ष तक मंत्री नहीं बन सकता। इस एक संशोधन से बहुत फर्क पड़ेगा जो लोग पैसा लेके इस्तीफा देते हैं उससे। जैसा मैंने कहा, दूसरा मुद्दा इसका वो है कि जब रक्षक भक्षक हो जाते हैं तो उसका कोई इलाज नहीं है। आखिर कानून कौन पारित करेगा? बहुमत वाली पार्टी। यहाँ आरोप किसके विरुद्ध है? बहुमत वाली पार्टी। फायदा इसका कौन उठा रहा है? बहुमत वाली पार्टी। तो विडंबना और इक्वेशन आपके सामने स्पष्ट है। जहाँ तक दूसरा सवाल है, उसमें ये कानूनी मामला है, आज ही चल रहा है। हमारा मानना है कि चुनाव आयोग ने कई गलतियां की हैं इसमें, लेकिन अब जब उच्चतम न्यायालय के पास में तो हमें टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, तो चुनाव वैसे ही खत्म हो रहे हैं और ये निर्णित होगा अल्टीमेटली। धन्यवाद सर। कुछ सवाल जो नॉन सुओ मोटो से भी हैं, मौसमी पूछना चाहती थी सवाल। मौसमी आफ्टर दैट सामिया। जी जी साहब, सिंघवी साहब आपको आवाज हमारी मिल रही? आई थिंक प्रणव, यू कैन हियर मी? या आई कैन हियर यू, जस्ट होल्ड ऑन आई थिंक या ही इज ऑन द अदर लाइन। अच्छा ठीक। सर या कैन यू टेक द क्वेश्चन सर? या प्लीज गो अहेड मौसमी, प्लीज गो अहेड। सिंघवी साहब, उत्तर प्रदेश सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, लव जिहाद को लेकर कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सख्त कानून लाने की बात कही थी और उसके बाद हरियाणा ने भी वही लाइन ली है, तो कांग्रेस का क्या रुख है कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे ताकि कोई जबरन धर्म परिवर्तन ना कराए और लव जिहाद का रास्ता ना इख्तियार हो? फरीदाबाद की घटना के बाद ये बात सामने आई। आप किससे पूछ रहे हैं? मेरे से पूछ रहे हैं? जी हाँ, आपसे पूछ रही थी जी। हाँ देखिए, इस वक्त प्रादेशिक स्तर का जो कानून प्रस्तावित है उस पर टिप्पणी करना सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने उस कानून का स्वरूप नहीं देखा है। प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में जरूर आता है, लेकिन मैं एक दो बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। ये लव जिहाद शब्द का दुरुपयोग है। ये मुद्दा लव जिहाद का नहीं है, ये मुद्दा संप्रदाय और धर्म का नहीं है। ये मुद्दा है कि दबाव द्वारा कुछ भी हो रहा हो, दबाव द्वारा चाहे दो एक ही धर्म वालों के बीच में हो, दबाव द्वारा चाहे दो विभिन्न धर्मों के बीच में हो, दबाव की चीज को प्रतिबंधित करना सही समझ में आता है। लेकिन आप धार्मिक उद्देश्यों से करें, लेकिन इसको सिर्फ स्लोगन बनाना, इसका एक सिर्फ एक जुमला बनाना, वो है एक दूसरा राजनीतिक मुद्दा। जहां तक कानून का सवाल है, अगर जहां दबाव है, ए और बी के बीच में दबाव है, वो किसी भी धर्म का हो, वो बिल्कुल प्रतिबंधित होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रित। Sir, can you see me? Yeah. Sir, I just wanted to ask you a question about how there is a Kerala minister
electricity minister who's gone on to say, M.M. Vani, who's gone on to say that China has contained COVID-19 effectively. And he's also berated U.S. President and Prime Minister by saying that they are mentally unstable. Left lies as your ally in the Bihar elections also. Do you agree with the statement of the electricity minister of Kerala, M.M. Vani? Look, of course, let me make a little comment in zest for our Gujarati guests. She is the right lady in the wrong channel. to answer your question, Samia, I don't know how you can expect me at the AICC forum to comment on a comment by the electricity minister of Kerala. I think your best bet is to ask him. I don't think I have any particular locus. But sir, they are your ally in Bihar. That's the only reason why I'm asking you. You see, everything which is said by a different combination in a different state doesn't mean that if he's in a combination of state in our state, in Bihar, I have to comment on that. I think you have to jolly well ask him. Different people can have different views on this. If he has justification, he'll explain to you. It's a democracy. But don't try and bring Bihar into Kerala because some party is in alliance in Bihar and a minister in Kerala is making this comment. Thank you. Okay, sir, Meenakshi, last question. Meenakshi, please go ahead. Sir, namaskar. Sir, Bengal mein left ke saath jo alliance ki baat chal rahi hai, kahan tak uska success mila hai aur kya kya usme alliance mein kya kya seat adjustment hoga? Nahin, Meenakshi ji, aap kaafi aage pahunch gayi hain. Ye abhi na to alliance ki koi rooprekha hai. न कोई उसकी घोषणा है न कुछ उस पे नहीं नहीं सीपीएम सीट शेयरिंग की बात करनी शुरू कर दी अभी से सर अभी लेफ्ट का अभी पॉलिट ब्यूरो सेंट्रल कमेटी मीटिंग था उसमें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है अधीर रंजन चौधरी का जो ठीक है ऐसा है हमें इस वक्त इस पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा ये जनरल सेक्रेटरी बंगाल बाद में बताएंगे आपको लेकिन वो अभी नहीं बता सकते अभी आप सब्र रखिए अभी ये स्टेज नहीं है आपकी टिप्पणियों के ऊपर हमसे कोई टिप्पणी लेना चाहती हूँ सही नहीं होगा एक सवाल सेंट्रल कमेटी ने अधीर रंजन चौधरी का मीनाक्षी जी आग्रह है अब डिरेल हो जाएंगे ऐसे एक सवाल और लेना की कोशिश करता हूँ सुप्रिया पूछना चाहती TV9 से सुप्रिया प्लीज कम इन सिंगी सर हेलो हेलो टू राजीव सर आल्सो सर मेरा सवाल है पहला तो जो इन्फ्लेशन है उसके ऊपर काफी ज्यादा वेजिटेबल के प्राइस बढ़े हैं उस पर आपको देखिए जहां तक राजस्थान का सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और वैसे भी कहा गया है कि अगर कोई भी लाजमी डिमांड्स हैं तो बैठ के बातचीत करें एक राजनीतिक और एक सामाजिक प्रक्रिया को अवरुद्ध न करें और मैं समझता हूं कि ये पहले भी हुआ है राजस्थान में इस बार भी पूरी तरह से एक माकूल हल निकल आएगा ये अभी नेगोशिएशन के स्टेज पे है और अगर कोई भी पक्ष ज्यादा उत्तेजना पूर्वक चीजें नहीं करे तो इसका कोई मैं नहीं समझता हूँ दुष्प्रभाव होने वाला है वो हम वहां पर जो इस मामले में अभियान करते हैं उनमें से कई वरिष्ठ नेता हैं जिनका आदर है लेकिन उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी जहां तक आपका इन्फ्लेशन का प्रश्न है मैंने आपके समक्ष पहले भी कहा था कि हमें दोनों नहीं तीनों संसारों का सबसे बुरा दुष्प्रभाव मिल रहा है इस देश पहले तो आपने और मैं बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा पहले तो आपने जो बहुत कम विकास था उसको छुपाया देश को बरगलाया दूसरा जब कोविड आया तो आपने सब कुछ कोविड के मत्थे मसल दिया हर देश का प्रॉब्लम अंतर्राष्ट्रीय और देश की प्रॉब्लम कोविड हो गई ये भुला दिया लोगों को प्रयत्न किया भुलाने का कि भाई कोविड के पहले ही हमारी ऐसी हालत दयनीय कर दी थी आपने आर्थिक स्थिति की कि कोविड की तो अलग अलग एक संरचना है उसके बाद जहां आप सप्लाई साइड 20 लाख की घोषणा करके 2 से 3% मैं मानूंगा आपने फिस्कल जो दिया समर्थन उसके बावजूद आपके साथ इन्फ्लेशन हो रहा है भारत और फिलीपींस शायद दो ही ऐसे देश हैं जिनकी विकास की दर भी कम और इन्फ्लेशन भी ज्यादा ये विडंबना ये उपलब्धि प्रधानमंत्री की कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है ये बहुत महत्व के अब ग्रीन शूट्स ऑफ रिकवरी आ रहे हैं एक सेक्टर बढ़ गया है अभी कभी कभी वित्त मंत्री कहते हैं कभी कभी ये नहीं बताते आपको कि -10% ग्रोथ 2021 का ये किसका प्रेडिक्शन है विदेशियों का नहीं हमारा नहीं एसबीआई का
गोल्डमैन सैक्स अगर तो 12% 11% कहते हैं, उनको छोड़ दीजिए, तो उसके साथ अगर इन्फ्लेशन है तो हमें तो सभी संसारों का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव हुआ है, वर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। थैंक यू सर। मैं आग्रह करूंगा आखिर में प्रशांत से कि वो वीडियो चलाएं, और उसके बाद अर्जुन भाई से मैं आग्रह करूंगा कि वो एक लाइन में जो एक मिनट में जो है कंक्लूड करें ब्रीफिंग को। प्रशांत वीडियो दिखाइए। धन्यवाद, मैं जरा आपसे लीव मांगता हूँ। थैंक यू। जी जी सर। बीजेपी वाले क्या देखे, वो तो सब हो गया ये तो होगा उधर से। हाँ तो वैसे ही थोड़ा दिखा देना, कोई भी आदमी सुमा भाई ने ये इस्तीफा देके कुछ पैसे का लिया, बीजेपी से पैसा लिया है सर, वो उनको भी थोड़ा किसी ने ब्रीफ किया होगा। कांग्रेस जो नहीं देगी तो मैं कहीं से गलत होगा, एनसीपी वालों ने मेरे पीछे पड़े हैं क्योंकि मैं 4 बार एमपी बना सर, तो सभी मेरे को पैसे दे, 4 बार एमपी बनना एक ही सीट से नानी चुनी नहीं है, मगर बीजेपी पूरा खर्चा करती थी मेरे पीछे और कांग्रेस का खर्चा मेरे पीछे नहीं होता। इस्तीफा दिया तो 5 करोड़ तो दिए होंगे, 5 करोड़ तो दिए होंगे, किसी को टिकट की सौदा दिया, किसी को पैसा दिया, इतने पैसे लाते कहाँ से सर, इतने पैसे लाते कहाँ से, बहुत पैसा खर्च के सब जगह पे पैसा खर्च, किसी को बोलने का नहीं खाली पैसा लाओ और क्या, रिलायंस टाटा तो उसके पास ही है। ये लोग बोल रहे थे कि सोमा भाई को 20 करोड़ रुपए दिए हमने, 20 करोड़ रुपए में बात हुई थी, नहीं गलत बात है, 20 करोड़ बोल रहे हैं, गलत बात है, किसी को 10 से ज्यादा नहीं दिया, किसी को नहीं दिया, 10 से ज्यादा नहीं दिया किसी को नहीं, तो 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो बोलना है तो बोल रहे, क्या बात है। बीजेपी में से कौन कर रहा है डील, बीजेपी में से कौन बातचीत कर रहा है डील, कौन कर रहा है, सीएम के साथ, सीएम के साथ, और प्रदेश अध्यक्ष बना नायक बना वो मेरा दोस्त है वैसे, उसके साथ ही डील कर रहा है दोनों के साथ। अर्जुन भाई आप सबने वीडियो देखा और वीडियो में क्लियरली बता रहे हैं, और उसमें अमित शाह ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और गुजरात के नए अध्यक्ष जो बने हुए हैं वो उनके बारे में जिक्र किया गया है कि उनके साथ बातचीत हुई और डील भी उनके साथ हुई, और ये क्लियरली डील के बारे में बात हुई है और 10 करोड़ से कम किसी को नहीं दिया है, और जब आप इस्तीफा देते हो तो मुफ्त में क्यों दे, ये भी उन्होंने सवाल खुद ने कहा है कि भाई कुछ मिला होगा तो ही दिया हमने, तो ये बहुत बड़ा स्कैम जिसमें 8 MLA शामिल थे, 5 को टिकट दिया, 3 को सिर्फ कैश ही दिया, और उनको ये दूसरी बात ये बता रहे कि उनको ये वीडियो में नहीं है लेकिन बताया जाता है कि उनको बोर्ड कॉरपोरेशन भी दिया जाएगा जिनको टिकट नहीं दिए, तो 80 करोड़ का मामला है, उसकी जांच होनी चाहिए, काला धन भारतीय जनता पार्टी कहां से जनरेट करती है, कौन से डिपार्टमेंट में से भ्रष्टाचार करती है, और उस पर व्हाइट पेपर लेकर एक कानून में संशोधन होना चाहिए, और जांच में जो जिम्मेदार है उसके सामने एंटी करप्शन एक्ट के तहत ये एक्शन लेना चाहिए, और जांच एजेंसी हो तो अभी भारतीय जनता पार्टी की एक ब्रांच बन चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उसके अध्यक्षता में ये जांच होनी चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद अर्जुन भाई। तो अंत में अगर इस ब्रीफिंग को अगर 2 वाक्यों में समराइज करना हो तो मुझे लगता है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी के 2 वरिष्ठतम युवराजों ने गुजरात की राजनीति को
सेठों का गल्ला बना दिया, बोलने को चौकीदार लेकिन करने में कसूरवार। मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर सिंघवी का, राजीव भाई का, अर्जुन भाई का और अपने सभी पत्रकार मित्रों का हमसे जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस मुद्दे को प्रमुखता से अपने अखबारों में, टेलीविजन पर जगह देंगे। आप सबका बहुत बहुत